कभी भी आप अपने तालाब में किलो के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से आप सीड न डालें, मेरा यह कहना है। गिनती करके ही अपने तालाब में सीड स्टॉकिंग करें। तो ग्रासकार का बात हम कर रहे थे, सीड स्टॉक करना है 5,000, अगर आप सीड स्टॉक करते हैं तो मात्र 10,000 रुपया इन्वेस्ट होता है। अब बात हम करते हैं मेडिसिन पर। इसमें ग्रासकार मछली ऐसी है बीमार भी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि सिर्फ आप ग्रासकार्प का पालन नहीं कर सकते हैं, और एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रासकार्प का पालन नहीं करें बड़े किसान, जिनका बड़ा तालाब है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फीड खिलाना चाहते हैं, वे सिर्फ ग्रासकार्प का पालन नहीं करें। जो छोटे किसान हैं, छोटे मछली के व्यवसायी हैं, जिनके पास 10,000 स्क्वायर फीट का मात्र तालाब है, 15,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, स्क्वायर फीट के हिसाब से अब बिहार वाले 10 कट्ठे के तालाब में पालन कर सकते हैं मछली पालन, यूपी वाले 10 बिस्से में भी ग्रासकार्प का पालन कर सकते हैं, हरियाणा वाले 10 कनाल के तालाब में भी मछली पालन कर सकते हैं ग्रासकार्प का। तो ये लोग छोटे मछली पालक हुए, छोटे मछली व्यवसाय हुए, लेकिन जिनके पास सैकड़ों एकड़ का तालाब है, वे सिर्फ और सिर्फ ग्रासकार्प का पालन क्यों करें? वे कतला का भी पालन करें, जयंती रोहू का भी पालन करें ग्रासकार्प के साथ साथ, वे कॉमन कार्प या फिर अमूर कार्प का भी पालन करें, मृगल का पालन करें, और करते ही हैं लोग। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है छोटे लोगों को, जीरो लागत में कम खर्च में कैसे आप पालन कर सकते हैं? वेरी सिंपल है, ग्रासकार्प का पालन करें, एजोला खिला सकते हैं, नेपियर घास खिला सकते हैं, कहाँ इसमें खर्च आने वाली है? जब सब्जियों का सीज़न होता है, ठंडी का सीज़न होता है, खास करके ठंडी के सीज़न में आपके यहाँ कहीं से भी आप वीडियो देख रहे होते हैं, वहाँ पे गोभी का खेती तो होता ही है, जिसका आप सब्ज़ी बड़े चाव से खाते हैं और उसके पत्ते ग्रासकार्प बड़े चाव से खाते हैं, कहाँ खर्च लगने वाला है? सीड में भी आपको 1 से 1.5 रुपये, 2 रुपये खर्च आएगा एक सीड में, और रह गया लेबर का खर्च, तो खुद से आप कुछ काम कर लेंगे। जो छोटे मत्स्य पालक हैं, मछली का व्यवसायी हैं, वे खुद ब खुद काम कर लेंगे, खर्च नहीं आएगा उनको। मेडिसिन पर भी ग्रासकार्प का अगर पालन करते हैं तो कम खर्च आता है। तो इस तरह से आपका सीड में पैसा बच जाएगा, फीड में कैसे पैसा बचे, इस तरह से उनके भोजन में ग्रासकार्प अगर पालन करते हैं तो भोजन में जीरो लागत आने वाली है। तो हम आशा करते हैं कि आपका यह तलाश पूर्ण हो गया होगा कि आप कौन सी मछली का पालन करके जीरो लागत में, कम खर्च में, नहीं उसका सीड खरीदने में आपको परेशानी हो, नहीं उसके फीडिंग के विषय में सोचना हो। ग्रासकार्प मछली एक बड़े ही तेज़ी से ग्रोथ करने वाली मछली है, जो जीरो लागत में, कम खर्च में, न के बराबर खर्च में आप पालन कर सकते हैं, अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।